say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. और चुके हैं, और सबसे पहले हम लोग अभी अपने बेल्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा लगेज आएगा। आप देख सकते हो कितना सुंदर एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा है। हमारा जो बेल्ट पे आ रहा है उसका नंबर 22 है, आप समझ सकते हो। नॉर्मली जो हमारे बैंगलोर वगैरह में आता है, मैं 4 देखा हूँ, 5 देखा हूँ, 8 देखा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 22 पे आ रहा है हमारा लगेज। तो चलिए, इसके बाद जैसे लगेज मिलता है हम लोग बढ़ते हैं अपने वीज़ा की तरफ। वीज़ा तो फ्री है इंडियंस के लिए, सो उसमें हम लोग जो भी डिटेल्स होता है मैं ज़रूर से इस वीडियो में कवर करूँगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग लाइन में लगे, और काफ़ी लंबा लाइन था, हाफ एन आवर 45 मिनट से ऊपर या फिर उससे भी ज़्यादा ही आपको लग जाएगा। यहाँ पे कोई आपको फॉर्म वॉर्म फिल नहीं करना पड़ा, और यहाँ पे हम लोग बस के लिए भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बस का डिटेल्स हम लोग चेक कर रहे थे, सो 143 ताइबात में आपको बस मिल जाएगा पटाया के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं खाने के लिए, उसी एयरपोर्ट के नीचे वाले, सबसे नीचे वाले बेसमेंट के पास है। यही सामने जो अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हमें बस भी हमारा मिल जाएगा। सो यहाँ पे मोस्टली जो हमें खाने को देखने को मिला है वो प्योर नॉन वेज ही है, ठीक है। यहाँ पोर्क है, आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्क है, और सारे कुछ है ना, लाइक बहुत सारी चीज़ें। सो हम लोग नॉर्मल चिकन लिया है, जो कि यहाँ का जो खाना देख सकते हो ज़्यादा बहुत ही कम स्पाइसी रहता है, बिल्कुल कम, आप देख सकते हो। आप ठीक है, वेज अच्छा है, वेज बहुत कम मिलता है, पर जो भी मिलता है सही सही है। तो जैसे बस आती है हम लोग 2 घंटे के अंदर अंदर पटाया पहुंच जाते हैं फ्रॉम बैंकॉक। सो सबसे पहले हम लोग ने आइटनरी में पटाया रखा है, तो एक दिन का पूरा आइटनरी है ये, और एक दिन में हम जितना पटाया घूम सकते हैं उतना घूमेंगे, और जो जो जगह कवर कर सकते हैं वहाँ हम लोग कवर करके आपको दिखाएंगे। पटाया पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग ने अपना जो हॉस्टल है वहाँ पे यू नो लाइक चेक इन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हॉस्टल काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। हॉस्टल का नाम है कीन हॉस्टल, ये डॉर्मेट्री हॉस्टल है जहाँ पे आपको स्टे कर सकते हैं आप। डॉर्मेट्री हॉस्टल का नॉर्मली प्राइसिंग आपको 300 से 400 बात के आसपास मिल जाएगा, यानी 700 से 800 रुपये, वो भी ये पीक क्रिसमस के समय। अभी आप देख सकते हो राइट पर क्रिसमस का डेकोरेशन वगैरह यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं क्रिसमस के समय ही आया हूँ, देख सकते हैं आप राइट। सो चलिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ फटाफट, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं व्लॉग में, क्योंकि मुझे तुरंत अभी निकलना है अपने लोकेशन के लिए। मैं ज़रूर से इसमें अभी कवर करूँगा, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेड देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले बेड दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बेड है, और बेसिकली आपको काफ़ी स्पेशियस जो आपको यहाँ पर जगह मिलेगा, सॉकेट्स वगैरह आपके प्लग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे यहाँ पर आपके तकिए के पास। आप पूरा रूम देख सकते हैं, 6 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं इस रूम में, 6 बेड वाला रूम है। और यहाँ पे आप एक आपको बालकनी टाइप का भी मिल जाता है जहाँ से आपको लाइट काफ़ी आता है, यहाँ से काफ़ी सही लगता है। हेलो, सो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अभी कोरल आइलैंड के लिए आए हैं। कोरल आइलैंड एज इन, यहाँ पे आपको एक स्पीड बोट पहले पकड़ना पड़ेगा, स्पीड बोट पकड़ के आपको डायरेक्टली 20 मिनट्स में आपको कोरल आइलैंड तुरंत पहुँचा दिया जाएगा। एक बोट और चलता है जो कि नॉर्मल बोट है, जो कि जिसका एक स्पेसिफिक टाइम रहता है चलने का, वो थोड़ा सस्ता रहता है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं, ये अराउंड आपको 200 बात पर पर्सन पड़ेगा, और वो आपको करीबन 30 से 40 बात पर पर्सन पड़ेगा, ठीक है। आप इंडियन रुपीज़ में इंटू 2.5 का लीजिए, आपका वही रेट आएगा। आप देख सकते हो पीछे का व्यू मेरा। By the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight, chemicals collide, hold tight, hold tight. तो ये अभी आप देख सकते हैं हम लोग कोरल आइलैंड पहुंच चुके हैं, और कोरल आइलैंड पहुंच के अभी हम लोग पैदल निकले हैं। तो एक्चुअली जब आप वहाँ पे पहुंचोगे वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, ना लाइक आप नॉर्मली स्कूटी कर सकते हैं, 300 बात में आपको स्कूटी मिल जाएगा, और आपके पास 5 बजे तक टाइम रहेगा, जैसे आप कोई भी टाइम में हो 5 बजे तक आपके पास टाइम है, 5 बजे तक आराम से कोरल आइलैंड में बहुत सारी जगह है
मैं सारा यहाँ पे मैप डाल दे रहा हूँ, मैंने फोटो वहाँ का डाला खींचा है, मैं उसका मैप यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। गाड़ी बहुत है, आवाज़ बहुत आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ये मैप देखिए, ये मैप में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये आपको पूरा एक दिन का ट्रिप है, 5 बजे तक आप आराम से आइए, घूमिए, बहुत सारे लोकेशन है जिसमें आप अच्छे से ट्राई कीजिए घूमने का। स्कूटी ले लीजिए, और उसके बाद अगर स्कूटी में आप कंफर्टेबल नहीं हो, गोल्फ कार्ट मिलते हैं, गोल्फ कार्ट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि एक दो लोकेशन जो है पैदल ही कवर कर ले, पैदल कवर करने के बाद अगर आगे होता है तो जाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके बाद हम लोग को एक नया लोकेशन में जाएंगे। रास्ते में नॉर्मली हम लोग जा रहे थे, देखिए कितना सुंदर व्यू है। शायद जब ये रास्ता जा रहा है या फिल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कोई पहाड़ पे ही एंड करे, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर पैदल चलने का मन है, आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, एक दो लोकेशन ही कवर कर पाओगे, क्योंकि ओवरऑल करने में बहुत दूर हो जाए, बहुत देर लग जाएगा। उसके लिए बेस्ट है कि एक आप स्कूटी कर ले, या फिर नॉर्मल गोल्फ कार्ट जो यहाँ पर घूमते रहते हैं उसको कर ले, वो लोग आपसे पूछते रहते हैं, 100-100 बात में आपका आना जाना टोटल हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग चढ़ते हैं, लोकेशन में पहुंचते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बहुत तेज से चल रही है, तो हो सकता है आवाज नहीं आ रहा। इस लोकेशन का नाम है तावेन बीच, TAWEN बीच, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसका लोकेशन, कितना खूबसूरत है देखिए, आप बिल्कुल एक पहाड़ पे आके खड़े हैं, जहाँ से आपको पूरा इसका लोकेशन आपको दिखता है। वाटर कलर से प्रेशर देखिए, यहाँ पे लाइट है, फिर वो डार्क है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम लोग वापस अपने बोट की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉनेस्ट्री भी हमें रास्ते में दिखा, जो कि काफ़ी सुंदर था, आप देख सकते हो काफ़ी मज़ेदार जर्नी था यहाँ पे बोट का। अगर आप आगे बैठते हो तो बहुत मज़ा आएगा इसमें, राइट। अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आप ट्राई कीजिए बोट के बीचों बीच बैठे, नहीं तो यू नो लाइक बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक स्कूटर किया था, जिसका ज़्यादा यू नो लाइक 100 से 150 बात पर डे में हमें एक स्कूटर मिल गया, इस टाइप का एक बहुत क्यूट सा स्कूटर हमने हायर किया था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड लोकेशन पे, जो कि है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ आने के लिए आपको बेसिकली 5 बजे के पहले आना चाहिए, आप बेसिकली क्लूक से बुक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं सजेस्ट करूँ। और 5 बजे के पहले आइए, क्योंकि हम लोग से गलती हो गई, हम लोग 5 बजे के बाद आए, राइट। तो 5 बजे के बाद आने का यू नो लाइक हमें 200 बात एक्स्ट्रा देना पड़ा, ऐसे 400 से 500 बात में आपका काम हो जाएगा, बट हमें 200 बात एक्स्ट्रा देना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट हमारे हाथ में है, 4 टिकट के लिए हमने पे किया, और हम लोग ने 700 बात के आसपास दिया है, राइट। सो एंट्री फ़ी आप यू नो लाइक जहाँ भी जाइए थाईलैंड में, आप थोड़ा लेके चलिए कि एक्स्ट्रा ही होगा, 10,000 तक यू नो 8 से 10,000 अपना बजट बना के चलिए, अगर आपको हर जगह घूमना है थाईलैंड, राइट। तो एंट्री फ़ी हर जगह बहुत महंगा है। ये टोटल आपका यू नो मैप है, यहाँ से आपका चालू होगा, ये एंट्री काउंटर है, और इसके बाद आगे आपको यू नो लाइक लेक वगैरह रहेगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ से आपको गाइड जो है इस सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का जो मेन लोकेशन है वहाँ पे लेके जाएगा। फिलहाल बात करते करते हम लोग अपने लोकेशन में पहुँच गए, आप चेक कीजिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना विशाल और कितना सुंदर। सो अभी हम लोग इस लोकेशन पे थोड़ा वेट कर रहे हैं, हमें वेट करना पड़ेगा 6:30 बजे तक, क्योंकि कुछ लोग जो है अंदर अभी भी हैं, वो जब निकलेंगे तभी हम लोग जा सकते हैं, ऐसा हमें बोला गया, तो हमें कुछ देर तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी,
ब्रेथ टेकिंग व्यू है, जो भी आप पे कर रहे हो, जितना भी आप नो लाइक आपका पैसा लग रहा है, कम्प्लीटली वर्थ इट राइट। अभी तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, अंदर जाने के बाद देखते हैं कैसा है क्या है, उसका भी मैं ज़रूर से आपको यू नो लाइक इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा जितना अलाउड है राइट। जहाँ पे वीडियो नहीं बन सकती वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा राइट। बहुत खूबसूरत देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है राइट, यहाँ पे भी आप ज़रूर से ट्राई करें। आप लोग अभी इसमें कुछ नो लाइक अपना स्नैक्स वगैरह करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं उसके अंदर। अब यहाँ से हम लोग नीचे बढ़ेंगे और इस सेंचुरी ऑफ ग्रोथ इसके अंदर अब यहाँ से जाएंगे। तो ये पाथवे जो बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पे स्टेयर्स नीचे क्लाइम करके अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे यहाँ पे सारे मूर्तियों का काम चल रहा है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डिटेल में ये काम जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली अब म्यूजियम के एकदम सामने आ चुके हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है म्यूजियम, बहुत मेहनत से बनाया गया है हर एक चीज़। यहाँ पे आपको अंदर जो है यहाँ पे काव होता है देख सकते हैं, जैसा कि आप खुद बनाते हैं, और यहाँ पे पूरा म्यूजियम जो है ये तैयार करके खड़ा कर रहे हैं, है ना बढ़िया। और ये देखिए एक पेड़ बनाया गया है, देख सकते हैं राइट, कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब तो बहुत पीसफुल जो लोकेशन है उसको बहुत ही पीसफुल बनाने की कोशिश की गई। बोलो बैकग्राउंड में जो है चिड़ियों और यू नो लाइक पानी की आवाज़ ऐसा, मतलब यू नो लाइक स्पीकर से वो लोग बाजार पी रहे हैं। इस ट्री की ये बात है, ख़ास बात है कि जितने भी पत्ते हैं इसमें सारे विशेस वगैरह जो है सारे ने लिखा है, हो सकता हो पूरा हो ऐसा कुछ भी, ठीक है इतना तो मुझे पता नहीं है, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है यार देखिए इसे। कैसा लगा सिनेमैटिक्स, मज़ा आया? काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, जैसे कि मैं बोल रहा था बिल्कुल मस्ट विजिट है। यहाँ पे करीबन नहीं भी तो दो से तीन घंटे तो आपको लगेंगे पूरा देखने में, और काफ़ी अच्छे लोकेशन है यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचाओगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, उस हिसाब से टाइम लेके आए। ज़रूर से यू नो लाइक आप इस वीडियो को नीचे से लाइक ज़रूर से करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। तो यहाँ पे अभी हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट आ चुके हैं, और वॉकिंग स्ट्रीट में आप देख सकते हो कितने लाइट्स, कितने कलरफुल पूरा स्ट्रीट दिखता है। जिनको भी एडल्ट लाइफ चाहिए राइट, जो भी नो नाइट लाइफ देखना चाहते हैं थाईलैंड के, ये एक प्लेस है थाईलैंड में। इसके अतिरिक्त और भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जो कि हम लोग आने वाले व्लॉग सीरीज़ में कवर करेंगे राइट। फुकेत में तो बहुत सारे, सो ज़रूर से कवर करेंगे उसको। आप ज़रूर से इस व्लॉग में और इस चैनल से कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से हम लोग डायरेक्टली अब फुकेत जाएंगे। अब फुकेत से मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, इसका सेकेंड पार्ट मैं ज़रूर से लाऊँगा। आप इस पार्ट को आप लोग ज़रूर से प्यार दिखाएं, लाइक करें इस वीडियो को,
और सेकेंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय।